विजयपुर केंद्र कृषि मंत्री एवं मुरैना श्योपुर के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कोरोना काल में विजयपुर का दौरा किया, स्थानीय विश्राम गृह पर जनप्रतिनिधियों एवं जनता से मिले। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर का निरीक्षण किया तथा मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका निर्देश दिया। ऑक्सीजन प्लांट स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का वीरपुर में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। निकलते हुए श्योपुर की ओर जंगल में पड़ता है सिरोनी हनुमान जी का मंदिर। जी हां, वहां जाकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं के साथ दर्शन किया व आरती भी की। सांसद के साथ विजयपुर विधायक सीताराम आदिवासी, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट, पूर्व विधायक मंगल सिंह तोमर, जिलाधीश आर के श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, जिला सीओ राजेश शुक्ला, विजयपुर एसडीएम नीरज शर्मा, द्वारका प्रसाद शर्मा, अरविंद सिंह जादौन, कैलाश सिरोठिया, बीके शर्मा, मंडलाध्यक्ष विश्राम कुशवा, रिंकू शर्मा, दिनेश शर्मा, परीक्षित धाकड़, पप्पी अखिलेश, पुनीत शर्मा, अच्युतानंद त्रिवेदी, जितेंद्र अवस्थी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। किस प्रकार है आप, क्या लगता है आपको आगे आने वाले में सरकार किस प्रकार मदद का हाथ बढ़ाएगी? देखिए, कोरोना का संकट अभी बिटना है, इससे निभाने की जरूरत है, सावधानी रखने की आवश्यकता है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। कोरोना के विस्तार को रोकने में देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इसमें जनता जनार्दन का, सामाजिक संस्थाओं का, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है। और जब इस प्रकार की महामारी होती है तो सब लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं तो निश्चित रूप से उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है कि स्थितियाँ संतोष की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन इनसे बेफिक्र होने की आवश्यकता नहीं, अभी कब क्या परिस्थिति खड़ी हो जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि हमारे जो छोटे छोटे अस्पताल हैं उन अस्पतालों तक भी आवश्यक सुविधाएं पहुँचें, जिससे कि कोई भी पेशेंट परेशान ना हो। इस दृष्टि से आप सब ने अनुभव किया होगा, जैसे श्योपुर जैसे क्षेत्र में एक भी ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी, तो आप तीन तीन ऑक्सीजन प्लांट क्षेत्र में स्थापित हो रहे हैं। सीटी मशीन यहाँ नहीं थी और सीटी के लिए लोगों को या तो राजस्थान जाना पड़ता था या ग्वालियर जाना पड़ता था, जल्दी ही सीटी मशीन भी यहाँ लग जाएगी। फरहाल और विजयपुर के अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगने की व्यवस्था हो गई है। लगभग लगभग एक महीने के भीतर, जून के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक ये सारी सुविधाएं अपने इस ग्रामीण अंचल को मिल जाएगी। मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन को, ग्रामवासियों को, युवाओं को, सबको यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी संकट विद्यमान है, इसलिए हम सब लोग गंभीरता से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित। सर, जो कृषि कानून को लेकर जो किसान अब अपने घरों और गांव का रुख कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होकर कोरोना लेके अपने गांव पहुंच रहे हैं, ऐसे में उन किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसानों के विषय में हम लोगों ने बार बार कहा है, कृषि कानून किसान के हित में है, किसान की भलाई के लिए है, खेती की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए है। हम सब इस बात को जानते हैं, जिस जिस क्षेत्र में कानून का शिकंजा ज़्यादा होता है वहीं पर भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, परेशानी ज़्यादा होती है, इंस्पेक्टर राज ज़्यादा होता है। इन कानूनों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में जो कानून पारित किया उसमें सभी प्रकार के शुल्क समाप्त कर दिए, किसानों को अपना उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी, वो कहीं भी कहीं से भी किसी भी दाम पर अपने उत्पादन को बेच सकते हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, 11 दौर की बातचीत भारत सरकार ने उनसे की है और हमने उनको ये भी कहा कि भाई ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, हम 1.5 साल तक कानून को स्थगित कर देते हैं, लेकिन वो लोग राजी उस पर नहीं थे, तो हमने उन्हें कहा कि अब आप विचारपूर्वक
कोई प्रस्ताव लाएंगे तब तो हम चर्चा। सर ऐसे में वो लोग अब उठ के अपने अपने घर जा रहे हैं, एनसीआर और उत्तर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, एनसीआर हरियाणा पंजाब की बात कराए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होकर जा रहे हैं, ऐसे में गाँव गाँव पॉजिटिव। उस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, नहीं संदेश क्या देना चाहेंगे कि सेफ्टी से रहे। आंदोलन के दौरान भी मैंने बार बार उनको आग्रह किया था, कोविड का संकट है, मौसम की प्रतिकूलता है, बच्चों को महिलाओं को बुजुर्गों को आप लोग घर भेज दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं आज भी आपके माध्यम से सभी किसानों को कहना चाहता हूँ कि सबको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। देश के सामने जो संकट है उस संकट में सबको एक साथ मिलकर उसे लड़ना।